हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जेलस क्लासेस। तो आप देख रहे हैं जेलस क्लासेस। हम लोगों ने डिस्टेंस एंड क्या बोलता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हम लोग पार्ट वन देख लिए, जो कि थ्योरी से बेसिस है, ठीक है। और आप लोग नहीं देखें तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग थ्योरी देख लीजिए। और वीडियो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब आज हम देखेंगे टाइप टू में देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आता है। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक हमने यहाँ पर लिख दिया है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपका याद रख लीजिए, बहुत ही जल्द आपको कॉन्सेप्ट की तरफ बन जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, काव्या अपने घर से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। मान लेते हैं यहाँ इसका घर है, काव्या का घर, ठीक। यहाँ से पश्चिम दिशा, पश्चिम किधर है, देखिए एक मैप बना देते हैं। क्या हो गया, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो पश्चिम यहाँ इसके घर से पश्चिम इधर हुआ, 5 किलोमीटर चलती है, ठीक। और पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चल रही है, बोल रहा है कि दाहिने 5 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ती है। तो देखिए पश्चिम यहाँ पर आया, तो पश्चिम का दाहिने हमको देखना है, दायां, दाहिने या दायां एक ही होता है। तो पश्चिम का दायां क्या हो गया, उत्तर, ठीक है। यहाँ पर देखिए पश्चिम का दायां उत्तर, ये दिशा है, ठीक है, दायां एक बायां है। तो पश्चिम का दायां क्या होगा, उत्तर। तो उत्तर हमको जाना है, तो क्या मुड़कर दाहिने मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। तो देखिए यहाँ से चलती है 3 किलोमीटर, ठीक, उत्तर में चल गई। क्या बोला है, पश्चिम का दायां उत्तर, 3 किलोमीटर चलती है। इसके बाद वह बाएं मुड़कर, ठीक है, इसके बाद वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। तो कहाँ जा रही है, उत्तर। तो हमें उत्तर का बायां देखना है, बाएं बोल रहा है, उत्तर का बायां क्या हो गया, पश्चिम। क्या कितना चलती है, 2 किलोमीटर चलती है, यहाँ से आ गया 2 किलोमीटर, ठीक। फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब फिर हमको पश्चिम का, ये पश्चिम डायरेक्शन है, देखिए पश्चिम दिशा में है। यहाँ से हमको क्या बोलती है, 2 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। तो पश्चिम का बायां क्या हो जाएगा, उत्तर, और सॉरी क्या बोलते हैं, फिर बाएं मुड़कर बायां क्या हो जाएगा, दक्षिण। पश्चिम का बायां दक्षिण, तो यहाँ पर आ गया 3 किलोमीटर, ठीक। फिर बोल रहा है कि अंत में वह दायां मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, तो दक्षिण आ गया। तो दक्षिण का दायां क्या हो जाएगा, दक्षिण, दक्षिण का दायां पश्चिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर चलती है, ठीक। बोल रहा है कि वो अब अपने घर से किस दिशा में है, देखिए यहाँ से चली थी पश्चिम दिशा में, इधर इधर चली है, ठीक है। बोला कि किस दिशा में चली है, पश्चिम दिशा में, फिर गई आपको उत्तर दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में। तो घर से किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है, ठीक है, पश्चिम, पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही जल्दी आपको बन जाएगा, अगर आपको दायां बायां नहीं आता है तब, ठीक है। आई होप कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप टू का। अगर आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा ट्रिक आपको नहीं बताया गया है कि आपको 4 डिजिट या 4 दिशा याद रखिएगा तो उसका अपने आप आपका दिशा निकल जाएगा, ठीक है। देखिए गीता एक बिंदु एक्स, हम ठीक है इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स से चलना शुरू करती है और पश्चिम की ओर 3 मिनट मिल जाती है। तो हमने बताया है कि पश्चिम किधर होता है, उत्तर हो गया, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। यहाँ से 3 मील चलती है, 3 मील चलती है पश्चिम की ओर, फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है। तो पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा, पश्चिम का दायां आपको उत्तर हो जाएगा, उत्तर की तरफ 2 मील चलती है, ठीक है, 2 मील चली। फिर दाहिने मुड़कर 1 मील चलती है, फिर दाहिने मुड़कर 1 मील चलती है, तो उत्तर दिशा है। तो उत्तर का दायां क्या हो जाएगा, उत्तर का दायां आपको पूरब हो जाएगा, ठीक है। तो पूरब की तरह इधर है, ठीक है, क्या चलती है, यहाँ पर 2 मील, यहाँ पर 3 मील चलती है, फिर 2 मील, फिर दाहिने मुड़कर 1 मील चलती है, यहाँ पर 1 मील चलती है। पूछा गया कब किस दिशा में चल रही है, तो ये आपको क्या डायरेक्शन क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से एक्स गई यहाँ पर, ठीक, यहाँ से गई यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, किस डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन क्या है, देखिए ये डायरेक्शन क्या है, पूरब। तो वह पूरब दिशा में जा रही है, गीता किस दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा में जा रही है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे किस दिशा में जा रही है। देखिए यहाँ से, यहाँ से ली यहाँ तक, यहाँ से गई यहाँ तक, फिर 1 मील यहाँ तक। तो इस दिशा कौन सा है, इस डायरेक्शन, देखिए इस डायरेक्शन पूरब है, ये पश्चिम है, उत्तर है,
दक्षिण है, ठीक है। हम इसके माध्यम से बना रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू दिया जा रहा है आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है टाइप टू का, ठीक है फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ट्रिक आप लोग को नहीं मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है टाइप टू का, तो इसमें देखिए क्या होता है, देखते हैं। देखिए सोल्यूशन है इसका, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। देखिए सुरेश जो है 7 किलोमीटर पूर्व चलता है, चलिए मान लेते हैं हम यहाँ से चलाते हैं सुरेश को, 7 किलोमीटर आ गया यहाँ पर पूर्व दिशा में, ठीक। पूर्व तो यही है डायरेक्शन, तो इसी दिशा में जाएगा। फिर बोल रहा है बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व का बाएं क्या हो जाएगा, देखिए पूर्व ही है, दायां दक्षिण हो जाएगा, बायां उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर किधर है, उत्तर ऊपर है, कितना चलता है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। इस 7 किलोमीटर है, ठीक। इसके बाद जब उत्तर चला 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर का दायां क्या हो जाएगा, ठीक है, उत्तर का दायां हो जाएगा पूरब। फिर यहाँ से हम लोग चलना है 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वो दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, दाएं ओर जब देखिए किधर जा रहा है, तो पूरब जा रहा है, तो पूरब का दायां क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उत्तर किधर पड़ता है, तो इधर पड़ता है, क्या कितना चलता है 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, फिर बोलता है वो किस दिशा में है, किस दिशा में, तो यानी उत्तर है, ऊपर जा रहा है तो उत्तर जा रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर उत्तर हो जाएगा, उत्तर दिशा में हुआ सुरेश चल रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।